नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। कहा जाता है कि बद्दुआ इंसान का अच्छा खासा जीवन बिगाड़ देती है, इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी की बद्दुआ ना लगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग मेहनत खूब करते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं। इसकी वजह से किसी से जाने अनजाने में दी हुई बद्दुआ भी हो सकती है। इसकी वजह बद्दुआ की वजह से ही कई बार समृद्ध शख्स को भी गरीबी में जिंदगी जीनी पड़ती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कई बार अनजाने में ही हम लोगों का दिल दुखा देते हैं। वह हम किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन दिल से उनकी जो बद्दुआ निकलती है वह हमारे लिए दुर्भाग्य लाती है। इसकी वजह से हमारे बनते काम बिगड़ जाते हैं, व्यक्ति पर कर्ज बढ़ जाता है, विवाह में देरी, संतान प्राप्ति में विलंब होता है। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आपको राहत मिल सकती है। दिल से दी गई बद्दुआ का शास्त्रों में यूं तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर बद्दुआ देने वाला शख्स की आप मदद कर देते हैं तो उसका असर खुद ही खत्म हो जाता है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो मंदिर जाएं और भगवान शिव के सामने बैठकर कम से कम 24 मिनट तक शिव जी का जाप करें। इससे बद्दुआ का असर खत्म हो जाता है, साथ ही बाकी दिक्कतों से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा शुक्रवार की रात को 7 फिटकरी के टुकड़े, थोड़े से काले तिल, साबुत लाल मिर्च, 7 जायफल को एक कपड़े में बांधकर पोटली बना लें, फिर इसको घर में रख लें। अगले दिन सुबह जल्दी उठें और ईश्वर का ध्यान करें। उनसे कहें कि हमारी जिंदगी से तमाम कष्टों और बाधाओं को दूर करो, रोग दुख शोक को घर से भगाओ। इसके बाद किसी सुनसान जगह पर या पीपल के पेड़ की जड़ में इस पोटली को दबा दें। इस उपाय से भी बद्दुआ का असर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।